बात औजु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम आज नोरखा 28/4/2024 को रेस्टोरेंट बस एसोसिएशन बारामूला का इलेक्शन मुनक़द हुआ, जिसमें ये इलेक्शन प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए मुनक़द किया गया, जिसमें जनाब फारूक अहमद भट्ट साहब और जनाब इश्ताक अहमद रहतर साहब ने कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स थे। कुल वोट्स थे आपके 130, 130 में से एक वोट रिजेक्ट हो गया, 85 वोट इश्ताक साहब को मिले। इलेक्शन जीत लिया है। देखिए, जैसे कि आपको पहले पता है कि इससे पहले भी जांबाज मिनी बस एसोसिएशन का एक इलेक्शन इधर हुआ, उसमें भी बारामूला ट्रांसपोर्ट के कार्डिनेशन के तमाम इकाइयों ने हिस्सा लिया था, जिसमें भूरू साहब और जो भी उस कार्डिनेशन में थे और जो भी उस जांबाज मिनी बस एसोसिएशन के मेंबर थे, उस वक्त भी मतलब मोहम्मद मकबूल की जीत होगी। इसी तरह आज जो वेस्टर्न बस सर्विस बारामूला, इसका इलेक्शन था जिसमें इश्ताक अहमद रहतर और फारूक अहमद भट्ट साहब थे। टोटल वोट 129 थे, जिसमें 85 इश्ताक अहमद वानी साहब को और फारूक साहब को 44 वोट आ गए। बहरहाल एक डेमोक्रेसी है, हम सब आपस में भाई भाई है। हाँ, जिसने इश्ताक साहब को वोट नहीं डाला, हम उनके भी नौकर हैं, हम उनके भी नौकर हैं। ये कुछ खामियां हैं हमारे इश्ताक साहब में, जो भाई वो हमसे नाराज है, और जिन्होंने हमको वोट डाला हम उनके भी शुक्रगुजार हैं। वैसे ट्रांसपोर्ट कॉर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन के होने के नाते जो यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर ने हमें साथ दिया, खासकर हमारे एचओ साहब ने, जहाँ यो पुलिस उनको भी, कि उन्होंने बिला कोई झगड़ा लड़ाई झगड़े के बगैर यहाँ इलेक्शन करवाया, और चेयरमैन जो हमारे भूरू साहब गुलाम अहमद भूरू साहब जो इलेक्शन चेयरमैन रहे, जो टाइगर जो गुलाम अहमद भूरू साहब ने इलेक्शन करवाया और शकील अहमद रथर साहब ने जो शकील अहमद रथर साहब ने यहाँ इलेक्शन करवाया, और जो इस बस स्टैंड के मेम्बरान थे, जिसमें अब्दुल हमीद मीर साहब और गुलाम कादिर गनाई साहब और हमारे सरदार जी एक मेंबर थे, उन्होंने यहाँ साफ शफाफ से इलेक्शन करवाया। और इलेक्शन यही है कि एक को जीतना है, एक को हारना है, हम सब आपस में भाई भाई है। और जो इस बस स्टैंड में एक हस्पताल है, हम सब कोऑर्डिनेशन कमेटी मिलजुल कर, जो यहाँ दुकानदारों की परेशानी है, जो यहाँ रेडियो वालों की परेशानी है, हमने सब ट्रांसपोर्ट वालों ने यह ऐद किया कि मिलजुल कर हम इस बस स्टैंड को आगे बढ़ाएंगे और हर ऐवान में पहुँचाएंगे। हमारा मुद्दा मकसद यही है कि ट्रांसपोर्ट को आगे पहुंचाना, और हम इसी मकसद के लिए आए। और ख़ासकर मैं ड्राइवर कंडक्टरों की बात करूंगा, जो दिन रात
करके अपना मतलब रोडों पर जाते हैं, उनके लिए भी बस ट्रांसपोर्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन के होने के नाते जो भी हमारी कोऑर्डिनेशन कमेटी की इकाइयाँ हैं, हम यहाँ एक दफ्तर बनाएंगे कोऑर्डिनेशन कमेटी की, जो सब कोऑर्डिनेशनों का होगा। और हम आप मीडिया वालों का बहुत शुक्रगुजार हैं जिन्होंने अपना कीमती वक्त देकर इधर अपना टाइम दिया, उसका खासकर जहाँ यहाँ जो यहाँ के मीर मुश्ताक नमशारी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बीजेपी के, उसने भी अपना कीमती वक्त निकाल कर इधर टाइम दिया, उसके भी हम बहुत शुक्रगुजार। और जिन सरदार भाइयों ने सिख भाइयों ने इधर एक मुजाहरा दिखाया, हम सब यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख इताद आपस में भाई भाई है, हिंदू मुस्लिम सिख इताद हिंदू मुस्लिम सिख इताद हिंदू मुस्लिम सिख इताद सलाम अलैकुम। दूसरी बार आप प्रेसिडेंट बन गए, आप बताइए कि इस जीत को आप किस नज़र से देख रहे हैं और आगे क्या करने का इरादा है आपका? मैं बहुत शुक्रगुजार हूं, खासकर कोऑर्डिनेशन कमेटी का और SHO बारामूला का, खासकर इलेक्शन बॉडी का जिन्होंने साफ शफाफ तरीके से इलेक्शन करवाया है। और मैं उन मेम्बरान को सलूट करता हूँ, सलाम करता हूँ जिन्होंने मुझे वोट नहीं डाला है, क्योंकि उनको मेरी वो खामियाँ नज़र आई हैं जो खामियां उनको नज़र नहीं आई है जिनने मुझे वोट डाले हैं। उनने मुझे एक एहसास दिलाया है कि आप में कुछ खामियां हैं, इसलिए हमने आपको सपोर्ट नहीं किया है। मैं उनसे माजरत खा हूं, लेकिन आइंदा मैं ये कोशिश करूंगा कि वो जो मुझे गलतियां हो गई हैं वो मैं दूर करूंगा, इंशाल्लाह ये मैं ज़रूर करके रहूँगा। और ख़ासकर मैं तमाम मेम्बरान का शुक्रगुजार हूँ, और ख़ासकर ड्राइवर कंडक्टर का जो मेम्बरान की रीढ़ की हड्डी है, जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, उनको मैं सलाम करता हूँ, शुक्रगुजार हूँ उनका जो मुझे भरपूर सपोर्ट करते हैं। बाकी वसलम भाई साहब, आप ही बताइए कि आप इस जीत पर जो आपने देखा कि यहाँ पे जो चीज़ दर्ज किया ये मैंने पहले भी बोला, ये एक इंडिपेंडेंट अदारा है, ये लोगों की खिदमत के लिए है, लेकिन जो मसले मसाइल है वक्त आने पे जब ज़रूरत पड़ेगी हम सरकार से बात करेंगे। और हमारी डिमांड कुछ है सरकार से, क्योंकि जो ये ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री दिन ब दिन ख़त्म हो रही है, इस पे चाहिए सरकार को ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि जो भी लोग आज चाहे मंत्री हो संतरी हो, वो सब उन्होंने इन्हीं बसों में सफ़र किया है, फिर वो पहुँचे हैं इन कुर्सियों पर। लेकिन उनको चाहिए, वक्त की सरकार को चाहिए खासकर इस इंडस्ट्री की तरफ ध्यान दे, क्योंकि इस इंडस्ट्री के साथ हर एक वाबस्ता है, चाहे वो मजदूर है, दुकानदार है, चाहे वो बीमार है, चाहे कोई अपाहिज है, जो भी जितने भी लोग हैं सब इसके साथ वाबस्ता है। इस इंडस्ट्री की तरफ ध्यान देना चाहिए, यहाँ पे हम सब इकट्ठे हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, आपने खुद ही देखा सब हम आपस में भाई भाई हैं, यहाँ कोई ऐसा सिस्टम नहीं है। तो इंशाल्लाह जो प्रेसिडेंट साहब आज चुने गए, ये कोशिश करेगा कि जो इसकी जिम्मेदारी है उस पर उतरे।